की क्लास हमारी स्टार्ट होने वाली है टेंस से संबंधित। किससे बच्चों? तो टेंस स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रिवीजन करा देती हूँ कि मैं किस चीज से आप लोगों को बता रही हूँ। बेटा बाबू यहाँ पर बैठ जाइए और सुनिए मम्मी क्या कह रही है। मम्मी की लिप्सन देखिए सारे बच्चे, और आप भी लिप्सन देखना, उससे क्या है जल्दी याद होता है। क्या होता है? तो जहाँ पे टेंस होते हैं वो टेंस तीन प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं विष्णु? सिमरन दीदी तुम बैठ जाओ। कितने होते हैं? प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। प्रेजेंट को वर्तमान काल, पास्ट को भूतकाल, फ्यूचर को भविष्यकाल। भाई सुन, वर्तमान माने अभी हम पढ़ रहे हैं, भूतकाल माने मैं पढ़ता था और मैं अगली कक्षा में पढ़ूंगा, वो हो गया भविष्यकाल। तीनों का उदाहरण दिया। अब हमारा स्टार्ट होगा प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं? पास्ट टेंस के कितने भाग होते हैं? चार। फ्यूचर टेंस के कितने भाग होते हैं? टोटल चार चार चाहती है 12। कितने भाग होते हैं? 12। आज सीखेंगे हम प्रेजेंट टेंस का नया। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के चार भाग में से फर्स्ट वाला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है मीनिंग। मैंने आप लोगों को याद करा दिया है, एक बार मैं भरोसा है याद है कि नहीं? खड़ी हो जाओ, सिमरन मुझे सुनाइए इंडेफिनिट की मीनिंग जल्दी से। इंडेफिनिट की आई एन डी ई एफ आई एन आई टी ई। अब एक बार क्लैपिंग करिए सारे बच्चे सिमरन के लिए, क्योंकि सिमरन ने कभी भी आज की पहले टेंस नहीं की थी, मैं पहली बार बता रही हूँ। ठीक है, बैठ जाओ। तो आई होप कि टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मीनिंग है वो सभी लोगों को याद हो गया हो। मैं पवन से भी उम्मीद करती हूँ कि याद नहीं है तो पूरी मीनिंग प्रेजेंट की चार, पास्ट की चार और फ्यूचर की मैं कल दूंगी, आज नहीं। आज मैं टेंस सिखा रही हूँ। अब आ जाते हैं पहचान पर। हम कैसे पहचानेंगे जो फ्यूचर टेंस है, पास्ट टेंस है, इंडेफिनिट का कंटीन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट। सबकी अलग अलग पहचान होती है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को मैं बताती हूँ पहचान, और हिंदी वाले मीडियम वाले को सभी एक ही पहचान याद कर लो, और नियम को रूल्स आइडेंटिफिकेशन। पहचान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आइडेंटिफिकेशन। तो इसी प्रकार नियम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रूल। तो आइडेंटिटी क्या है इसकी? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उसे हम इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका नियम होता है कर्ता प्लस मुख्य क्रिया में एस या एस प्लस कर्म, यानी सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब में है एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा था कि आइडेंटिफिकेशन का कहती है, जैसे मैम पढ़ाती है, सिमरन लिखती है, तरुण घूमता है, पवन स्कूल जाता है, हर्ष होमवर्क करता है, निधि क्लास वर्क करती है, सिमरन पानी पीती है, मतलब ती ता ती ते, मतलब ये आ रहा है ना, एक लड़का के लिए ये, लड़की के लिए ये, और बहुवचन के लिए हम पिकनिक करने जा रहे हैं। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए, तो समझ में आ गया। सिंगुलर और प्लूरल भी याद कर लेना। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। अब आ जाओ हम उदाहरण पर, एग्जाम्पल पर। किस पे आ गए हम? एग्जाम्पल क्या है? किताब पढ़ता है, पढ़ता हूँ, पढ़ता है, हम किताब पढ़ते हैं तब बोलेंगे। हाँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ। अब इसको कैसे करेंगे? इस वाले नियम से। किस वाले से करेंगे? कर्म से। कर्म नहीं, इस वाले नियम से। कर्ता क्या है? आई। फिर कर्म का मुख्य क्रिया का है आर, आई डी। फिर क्या है? कर्म क्या है? अब बताओ, कर्ता एक वचन है तो ऐसे ये लगाएंगे, और कर्ता बहुवचन तो हम कुछ नहीं लगाएंगे। तो आई को हम कर्ता बहुवचन मानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आई को आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतना? कुछ नहीं लगेगा उसमें, इसी कुछ नहीं लगेगा। हाँ, तो इतना समझ में आ गया। अब दो टेंस और मैं देखती हूँ, आप लोग करके लाना मेरे लिए। ठीक है, समझ में आ गया? किस किस को समझ में आ गया? तुम अपने कुछ नंबर को समझ में
की तो नहीं आ रही। यस मैम सैम की मेरी वो आ रही है। सैम की आ रही है अभी कम सायद। यस मैम किसी की सैम आ रही है। पाउडर में भी आ रही है। सैम किसी की आ रही है। हाँ लोग आ रही हैं। भारत की आ रही थी। अरे वो मम्मी ने सासू माँ लाई थी। हमारी सासू माँ लाई थी। चलिए रेडी हो जाए। यस मैम हम रेडी। शुक्रिया। कैसे लिखते हैं बाजार जाते हैं राहुल राहुल स्कूल जाता है अरे बीबी को अलग निधि होमवर्क नहीं करती मैम। मैं लिख ली हूँ। नहीं करती है। नहीं करती मैम। अपनी नहीं करती बस अभी नई वाली नहीं चल रहे हैं। मैम लिख दो नोट तो लगा रहे चल रहे हैं अभी सिंपल कर निधि ना कर ले लेना वर्क करती है। मैं अभी करना कर ये जो कर कर हाथ से ट्रेल कर मुझे कह रहा हूँ टेबल कर ले कर फिर कह रही है मैं तो कह रहा हूँ मेरी याद है मैम हम यहाँ पर टेंशन कर ले यहाँ पर नहीं करने के लिए उतार लो। मैम भी उतार ठीक है। आई होगी आज का होमवर्क क्लियर हो चुका होगा। आज आइए सारे छोटे बच्चे आज करेंगे ग्रुप स्टडी रिवीजन क्लास ठीक है चलो।